यूट्यूब चैनल, जैसा कि हम लोग क्लास नाइन्थ आर एस अग्रवाल बुक का सोल्यूशन कर रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन हमने किया था। आज हमने कुछ क्वेश्चन इसको राइट कर दिए हैं और सेम पैटर्न पे जो क्वेश्चन है उसको आप खुद से करिएगा, बाकी जो प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। तो कोई भी दो रेशनल नंबर बीच के, जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं, तो मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो इनके लिए आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि रेशनल नंबर निकालने का बीच का हाफ हाफ ए प्लस बी, तो उससे आप निकाल सकते हैं। जो निकल के आएगा वो एक वो सिलेक्ट कर लेंगे और एक आगे वाला नंबर उससे फिर आप निकाल लेंगे, वो फार्मूले से। बट आपको हम एक इजी मेथड बता रहे हैं जिससे आप मेनी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। आइए उसको डिस्कस करते हैं। थ्री रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन, तो हमारे पास नंबर्स क्या है, तो थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। तो 3/5 एंड 7/8 के बीच का हमको रेशनल नंबर निकालना है, ओके, ये फाइंड करना है। तो हम आपको ये फार्मूला बताते हैं। सबसे पहले जैसे ये डिफरेंट बेस का है, दिस 3/5 इंटू 7/8, तो इन रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को हम ना इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो इस वाले नंबर में हम 8/8 से कर दे रहे हैं, इस वाले नंबर में हम 5/5 से कर दे रहे हैं, जिससे हमारे दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर से वो सेम हो जाएगा। तो क्या लिखने वाले, 3/5 इंटू 8/8 कॉमा 7/8 इंटू 8, इसमें इसके डिनोमिनेटर है ना 5/5, तो दिस इज इक्वल टू 8/8 = 24/8 = 5 = 40 कॉमा 7/5 = 35/8 = 40। अब देखिए डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, बट अब न्यूमरेटर की बात कर ले, यहाँ 24 है, यहाँ 35 है, मुझको कितने चाहिए, हाउ मेनी नीड्स, तो 3 ओनली। तो 3, तो क्या इसमें डिफरेंस है, यस 24, 25, 26, 27 है ना, 9 का डिफरेंस है, हमको कितने चाहिए 3, तो अब ये बड़े आराम से निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे जब कभी डिफरेंस ना हो तो कैसे करते हैं, उसके लिए भी आपको बताएंगे, है ना। तो इसमें अब काफी डिफरेंस है तो बड़े आराम से हम निकाल लेंगे, है ना। तो द 3 क्या लिखेंगे, सो दैट द थ्री रेशनल नंबर्स इक्वल टू व्हाट, क्या मिलने वाला है, 25/40 कॉमा 26/40 कॉमा 27/40। अब इनके ये ऊपर नीचे इसमें कॉमन है, अगर इसको आप कैंसिलेशन करके छोटा भी कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी रेशनल नंबर होगा, मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं बीच के, तो आपके आंसर कोई भी आ सकता है। अगर बुक से मैच नहीं होता तो भी आपको उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं, सारे रेशनल नंबर्स बीच के आपके करेक्ट होंगे जो भी निकल के आएंगे, ओके। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, है ना, ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 का सोल्यूशन देखते। 5 फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 सेम टाइप था, इजी था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, ओके। तो सबसे पहले हमको कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6, तो 6 रेशनल नंबर्स है ना, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3 के बीच के, 2 एंड 3 के बीच के 6 रेशनल नंबर्स। अब देखिए हमको यहाँ पे तो बेसिस कुछ भी है नहीं, बेसिस कुछ नहीं तो बाई 1 है, तो अब हमको क्या करना है ना, 6 रेशनल नंबर चाहिए। एक बात आपको ये की पॉइंट्स है, ध्यान रखिए, जैसे 6 अगर निकालना है तो आपको उस नंबर में 7/7 से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 निकालना है तो 1 बढ़ा करके, है ना, 1 प्लस करके 7 निकालना है,
एट अपॉन एट से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइन निकालना है तो टेन अपॉन टेन से कर देंगे, मतलब वन प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं सेम, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्स निकालना है तो टू में हम किससे करने वाले हैं, सिक्स है तो किससे करेंगे सेवन, है ना। तो सेवन अपॉन व्हाट सेवन एंड कॉमा थ्री, इसमें भी सेम करेंगे सेवन अपॉन व्हाट सेवन, दिस इज इक्वल टू व्हाट सेवन टू जा व्हाट सेवन टू जा फोर्टीन अपॉन सेवन कॉमा सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन अपॉन सेवन, ओके। अब देखिए हमको सिक्स चाहिए, इसके बीच के बड़े आराम से सिक्स रेशनल नंबर लिख सकते हो, ओके। तो दिस इज इक्वल टू देयर आर सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन टू एंड थ्री, है ना। टू एंड थ्री के बीच के रेशनल नंबर क्या होंगे, हमको सिक्स लिखने हैं, ओके। तो फोर्टीन अपॉन सेवन के आगे है ना, और ट्वेंटी वन अपॉन सेवन के पीछे, है ना। तो क्या मिलने वाला है, फिफ्टीन अपॉन सेवन कॉमा सिक्सटीन अपॉन सेवन कॉमा सेवनटीन अपॉन सेवन कॉमा एटीन अपॉन सेवन कॉमा नाइनटीन अपॉन सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव, वन और लिखना है ट्वेंटी अपॉन सेवन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये देखिए कितना इजी वे में हमने बीच के सिक्स रेशनल नंबर आपको फाइंड करके दिखा दिया। तो ऐसे आपको कितने भी रेशनल नंबर बीच के निकालने हैं तो वन टाइम्स वन नंबर प्लस करके उतने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके उतने बीच के रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं, ओके। आइए क्वेश्चन देखते हैं, इंसर्ट 16 रेशनल, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर 8 का सोल्यूशन देख रहे हैं, है ना। 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2, आइए इसके बीच के हमको कितने देखने हैं, 16 रेशनल नंबर। तो 16 रेशनल नंबर करने हैं तो आपको पता है हमने क्या रूल बताया था, रिकॉल करिए, 16 है तो 17 अपॉन 17 से, अच्छा किसी नंबर में उससे सेम, जैसे 2.1 में हम 2 अपॉन 2 से भी कर दें तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज रूल ऑफ इक्विवेलेंसी का रूल है, है ना। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, 2.1 की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ओके। तो लाइक दैट हम यहाँ किससे कर सकते हैं, है ना, ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमको इसमें क्या करना है, चूंकि 16 चाहिए तो हमने क्या बताया था, 16 चाहिए तो 17 अपॉन 17 से, है ना, वन प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए करते हैं इसको, है ना। तो 16 चाहिए तो किससे करने वाले हैं, 17 अपॉन 17, तो 2.1 इंटू व्हाट 17 अपॉन 17 कॉमा 2.2 इंटू व्हाट 17 अपॉन 17, ओके। दिस इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 17 वन जा 17, है ना, 17 वन जा 17 कैरी वन, 17 टू जा 34 वन व्हाट 35 अपॉन 17 कॉमा 17 टू जा व्हाट 34 37.4 अपॉन 17 35.7 अपॉन 17। डेसिमल को रिमूव करना है, अभी रिमूव कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 357 वाट अपॉन 17 कॉमा 374 अपॉन वाट 17, ओके। अब इसमें से देखिए हमको 17 नंबर 16 चाहिए, इसके बीच में 16 डिफरेंस है, यस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या मिलने वाला है, 10 देयर आर 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब इसके बीच का हमको लिखना है ना, तो 16 हमको लिखना है तो देखिए कहां से हम स्टार्ट करेंगे, 358 अपॉन 17 कॉमा 359 अपॉन वाट 17, है ना, अप टू डेट डैश 16 हमको, है ना, कितने चाहिए 16, तो इसमें हम 2 तो हमने राइट कर दिया है, अब कितने बचे, तो इसमें 58 में आप 16
प्लस करके देख सकते हैं कहां तक जाने वाला है हमारा, है ना। तो उस हम 57 के आगे लिख रहे थे, 58 से तो कहां तक आएगा देखिए, है ना। तो 58 प्लस 16 कर दे रहे हैं, 64 तक, 74 है ना। तो एक तो हमारा ये था, इसको हमने पहले से राइट कर दिया था, ये तो काउंट नहीं होगा, इसमें 16 प्लस कर रहे हैं, दैट मीन्स 15 और लिखने रहेंगे, तो कहां तक नंबर आने वाला है, 373 तक। ओके, तो 374/17 है ना, दैट इज द आंसर। अब इसको अगर आप डेसिमल एक्सपांशन, इसका डेसिमल फॉर्म चाहते हैं, इसको आप डिवाइड कर देंगे जो भी आएगा आंसर, सभी में 17 से डिवाइड करते चले जाएंगे, तो इसका आपको डेसिमल फॉर्मेट में भी आंसर इसका मिल जाएगा। ओके, अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल में भी सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आज हमने ये देखा कि कैसे किसी टू रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे हम रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं। तो जितने रेशनल नंबर चाहिए होते हैं, अगर हमारा रेशनल नंबर का ये हमारा जो डिनोमिनेटर है ये सेम नहीं है, तो पहले इसको हम इक्वल कर लेते हैं, फिर जितना चाहिए होता है उससे 1 प्लस करके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे बड़े इजी तरीके से हम इसको बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट डे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1.2 के जो है क्वेश्चंस को करेंगे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।